तो निकल रहा हूँ मैं सूरत के लिए, और सूरत से आगे जाएंगे। इस ट्रिप में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम अपना ड्रोन लेके नहीं जा रहे क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों को थोड़ा सामान लेना पड़ता है, जैकेट वैकेट खेस, तो उसकी वजह से हम लोग ड्रोन नहीं रख रहे क्योंकि ड्रोन बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि मेरा सेल्फ मेड ड्रोन है, खुद का बना ड्रोन है, स्पेस ज़्यादा लेता है, इस वजह से ड्रोन को हटा रहे हैं हम लोग। और बिना ड्रोन के फोटोग्राफी करेंगे, व्लॉगिंग तो करेंगे ही। मैं पहले 3 दिसंबर को निकला था सूरत के लिए, और सूरत में मैंने मतलब बाइक को भी ले गया साथ में, अपने ट्रेन के अंदर ही कुरियर कर दी थी बाइक मैंने। पहुंच गया। अब सूरत पहुंचने के बाद मैंने बाइक चलाई और मैं पहुंचा वलसाड़। सूरत से निकल चुका हूं मैं वलसाड़ के लिए। वलसाड़ में मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक दोस्त मिले, उनके यहाँ जा रहा हूं मैं, वहां अभी स्टे देखेंगे, वलसाड़ या वापी के पास। और वलसाड़ वापी के पास ही दमन है, ठीक है। तो अभी आगे पता नहीं है क्या है, सब कुछ अनप्लैंड है। तो अभी बहुत गर्मी हो चुकी थी थोड़ी, इसलिए थोड़ा मैं रुक गया ये होटल में और थोड़ा आराम किया। अब निकल रहे हैं वलसाड़ की तरफ, चलते हैं। हम आ चुके हैं होटल के अंदर और अब ओके, तो अब लोग हम लोग जा रहे हैं बीच देखने। वैसे बीच बंद है यहाँ, उसको कुछ कहते हैं यार। तो मैं तीथल बीच पे आया था और ये वही ब्लैक सैंड और हल्का सा ब्लैक सी होता है, तो उसकी थोड़ी नाइट लेफ्ट दे रहा था, जो नाइट की स्काई, नाइट स्काई होता ना, उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल डार्क है उस तरफ स्काई। तो फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, एक दो फ़ोटो देखो आप कैसी आई। अभी जो तीथल बीच है बंद है, कोविड की वजह से बंद किया गया है तीथल बीच को, लेकिन मतलब दूर से देख सकते हैं, ये ऊपर जो जगह थी वहाँ से मैं देख रहा था, तो वहाँ कैमरा लगा के शॉट लिए मैंने, कुछ देखो आप। और अभी और एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो मैं सनसेट के बाद आया हूँ, अगर सनसेट से पहले आया तो मज़ा आ जाता सही में। तो देखते हैं, एक दो शॉट और लेता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से। लोग हैं जो बीच है वही रोड पे, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। शहर में गर्मी है लेकिन यहाँ ठंड हवा चल रही है। तो होटल से चेकआउट कर लिया, अब जा रहे हैं हम लोग दमन। और ये पीछे आप जो देख रहे हो मॉल है यहाँ का, ये डोमिनोज मॉल वॉल सब कुछ नीचे ही है, ऊपर होटल था, मस्त जगह थी, इसे साई लीला मॉल कहते हैं, यहाँ आप आ सकते हो, रुक सकते हो। ये राजा रानी क्या है, वड़ा पाव, राजा रानी वड़ा पाव। और इनका कितना पुराना है दुकान शॉप? ये अबाउट 35 इयर्स। 35 इयर्स मतलब लिखा रहेगा 1987 में। हां 1987 में चालू हुआ, ठीक है। 1987 में चालू हुआ, 35 इयर्स तक हो गया ला। और ये देखो साथ में दिया सूखा, ये चटनी है, तीखी चटनी, ये मीठी नहीं तीखी है। और हमारे सफल भाई, थैंक यू भाई। हम लोग निकल रहे हैं दमन की तरफ, चलते हैं। Thank you.
हूँ।